मेरे प्यारे प्रथम श्रेणी के बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको स्वरों के साथ व्यंजन पढ़ा रहे हैं। तो चौथा स्वर, जिसे बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, ई के साथ एक मात्रा लगाई जाती है ई के ऊपर, जिसे बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, उसके साथ व्यंजनों का प्रयोग बता रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे और ध्यान पूर्वक इसको याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे लगातार। तो लगातार पढ़ते रहने से, अभ्यास करते रहने से इसे हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? बड़ी ई के साथ व्यंजनों का प्रयोग। तो ये क्या लिखा है? ये है ई के साथ बड़ी ई की मात्रा। अब इसको व्यंजनों के साथ प्रयोग में कैसे करेंगे? जैसे आगे है शब्द घा, घा के साथ ये बड़ी की मात्रा, ड़ा के साथ बड़ी की मात्रा घड़ी। यदि हम बड़ी की मात्रा ना लगाएं तो ये क्या बनेगा? घड़। ये बड़ी की मात्रा नहीं लगी तो क्या बन जाएगा? घड़। लेकिन बड़ी की मात्रा लगते ही ये क्या बन गया? घड़ी। अब तीर, यदि इसको बड़ी की मात्रा ना लगाई जाए तो ये क्या बन जाएगा? ता जमा र, तर। इसको लेकिन बड़ी की मात्रा लगा दी जाए तो ता को बड़ी की मात्रा, प्रथम शब्द में यदि बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए, जैसे ता के साथ बड़ी की मात्रा लगी है ती, फिर क्या लिखा है? रा। तो क्या बन गया? तीर। आगे क्या है? झील। झा के साथ बड़ी की मात्रा है जी, फिर क्या बन गया? ल जमा ल, झील। आगे है हा, फिर था को बड़ी की मात्रा, यदि था को बड़ी की मात्रा ना लगे तो ये क्या बन जाएगा? हाथ। फिर ये दूसरे स्वर में, जैसे ये दूसरा स्वर हा के साथ दूसरा स्वर लगा है, हैं? तो क्या बन गया? हा। और इसमें चौथा स्वर का प्रयोग हुआ है थी, हा थी। तो आगे शब्द बहुत सारे कैसे लिखने हैं, शब्द देखिए और इसको याद कीजिए, फिर इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। प्रथम शब्द को अच्छी तरह परखिए, ये शब्द कौन सा लिखा गया है, उसके बाद फिर शब्द को पढ़ना सीखिए, फिर शब्द को लिखना सीखिए, फिर लगातार पढ़ते रहने से आपको ये चौथे स्वर में व्यंजन लगाना कैसे लगाना है वो आपको जल्दी ही आ जाएगा। तो ये शब्द क्या है? रीछ। फिर क्या है? ईख। फिर आगे क्या है? मीना। फिर आगे क्या है? नदी। घड़ी। शीतल। पीपल। फिर आगे क्या है? बकरी। फिर क्या है? ककड़ी। ये क्या है? मीरा। अब शब्द हमने लगातार दो दो शब्द बोले हैं, तो दो दो शब्द हम कैसे बोल सकते हैं? एक एक शब्द हमने प्रयोग करना सीख लिया, अब दो दो शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे व्यवहार में ला सकते हैं? तो शब्द कैसे आएंगे? मीरा आई। तो मी माँ के साथ, फिर बड़ी की मात्रा, फिर आई, फिर आई बड़ी की मात्रा। खीर लाई। पानी पी। जीभ ना निकाल, जीभ ना निकाल। शीतल पानी भर। ककड़ी बकरी, ककड़ी खा गई। चरखी चला। रीछ नदी पर आ गया। तीर मत चला।
ऐसे हम अनेक शब्द बड़ी की मात्रा के साथ व्यंजन लगाकर बोल सकते हैं, जैसे बड़ी इमारत, क्या आया रड़ा के साथ बड़ी की मात्रा लगाकर क्या बन गया, बड़ी इमारत, बड़ी ई लगा करके इमारत बन गया, बड़ी इमारत पर चलो। फिर आगे क्या करेंगे, ईख हाथी खा गया, ई के साथ बड़ी की मात्रा लगाकर क्या बन गया, ईख हाथी खा गया। इस प्रकार हम रोज नए नए शब्द बनाकर बड़ी ई की मात्रा के साथ व्यंजन लगाकर उसका प्रयोग करके लगातार अभ्यास करते रहेंगे। तो बच्चों, हम ये चौथा स्वर को व्यंजन के साथ लगाना जल्दी ही सीख जाएंगे, फिर हम बोल सकेंगे और हमें कोई भी शब्द पूछेगा तो हम उसको बता सकेंगे कि ये शब्द में कौन सा स्वर लगा है। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा, चौथा स्वर जिसको क्या कहते हैं, बड़ी ई, बड़ी ई के साथ हमने आज व्यंजन लगाना सीखा। तो हमने लगातार अभ्यास करना है और लगातार पढ़ते जाना है और हम जल्दी ही सीख जाएंगे हिंदी बोलना। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, बड़ी ई की मात्रा लगाना उई व्यंजन के साथ, बाकी कल पढ़ाया जाएगा। अच्छा बच्चों, अलविदा।